कहना चाहिए। बाय बाय बाय। अरे खीर तो खाओ ना रोहन। अरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, नेक्स्ट टाइम खाऊंगा। रितु मैं चलता हूँ, बाय। अरे मगर रोहन अब तुम वापस कब आओगे? रितु यूं ही जब घर में कोई नहीं होगा मुझे फोन कर देना, मैं चला आऊंगा। एक मिनट क्या हुआ? कहने का क्या मतलब है? जब मैं तुम्हें फोन करूंगी सिर्फ तभी आओगे तुम? अरे नहीं बाबा, तुम्हें मैं हर रोज फोन करके पूछा करूंगा कि आज घर में कोई है या नहीं और चला आऊंगा। ओके रितु तुम तो जानती हो ना वहाँ मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। रिंकू और उसकी मम्मी मुझे इतना नैक करते हैं कि क्या बताओ। लेकिन डोंट वरी, मैं ना रिंकू को कोई बंडल मारूंगा और यहाँ जलाऊंगा। और एक बार मुस्कुराओ ना। अरे दत्त मुस्कुराओ ना प्लीज। अच्छा चलो चलो जाओ, तुम्हारी हंसी को क्या हो गया? लगता है मेरी मम्मी पागल हो गए। मम्मी मैं मेरे वाले रोहन की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं तो टीवी सीरियल वाले रोहन की बात कर रही थी। लगता है मेरे वाले रोहन की भी याददाश्त चली गई। अच्छा होगा तुम्हारे वाले रोहन की याददाश्त चली जाएगी तो। क्यों, रोज रोज का टेंशन खत्म हो जाएगा ना। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? एक्चुअली मैं तो कहती हूँ उसके बारे में तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी ना तो भी बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी किसी और से शादी करवा दूंगी। और मम्मी ये बेतु की बातें छोड़ो और मुझे कोई ऐसा आइडिया दो जिससे रोहन सिर्फ मेरा और मेरा ही होके रहे। अरे पागल, मेरे पास ऐसा कोई आइडिया होता तो तेरे डैडी नहीं मेरे सिर्फ मेरे होके रहते। मजा आ गया रितु, कमाल का खाना बनाया था तुमने आज। हाँ भाई, ऐसा खाना तुम्हें अपनी दूसरी बीवी के यहाँ तो ना मिलेगा ना मिलता होगा। तुम्हारे डैडी को रेस के घोड़ों का इतना शौक चढ़ा था कि दहेज में रेस का घोड़ा ही मांग लिया। क्या कह रही हो? और जैसे फटाका फूटा घोड़े को लगा रेस शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दूल्हे को लेके घोड़ा चला आगे और मैं वरमाला लेके पीछे भाग रही हूँ। माय गॉड इट्स सो फनी। इसीलिए तो कहती हूँ हर मर्द की दो दो शादियां होती है, एक बीवी से और दूसरी हॉबी से। लेकिन मम्मी रोहन की तो कोई हॉबी नहीं है। है ना? है कौन सी भाई? वो क्या मम्मी? अरे रीटू की बच्ची। चलो मैं चलता हूँ, मैंने रिंकू से कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, लेट हो गया मैं। हाँ, बाय बाय। ओफ, इतना डरते क्यों हो? और पहले मेरे हाथ का थोड़ा सा स्वीट राइस तो खा के जाओ। अरे रितु, अगर मैंने यहाँ स्वीट राइस खाया ना तो मुझे वहाँ जाके उसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। डरता है ये मम्मा उससे। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? ऐश्वर्या राय या बिपाशा बासु? बिपाशा बासु नहीं, तुम्हारी सासू। प्रणाम सासू माँ। रोहन है वहाँ? रोहन रोहन बेचारा तो कह रहा है कि वो यहाँ है ही नहीं। क्या हुआ रिंकू? मम्मी रोहन उस डायन के यहाँ है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मैं रोहन को अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकती। अरे ये किताब पढ़ के देख। मम्मी मैं अपने पति को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप किताब पढ़ने को कह रही हैं। टाइटल तो पढ़ के देख, अपने पति को अपने वश में कैसे रखें। मम्मी ये किताब आपको कहाँ से मिली? तुम्हारी डैडी के संदूक में। डैडी लाए थे? नहीं मैं लाई थी, तुम्हारे डैडी ने छिपा के रखी थी, आज नहीं। थैंक यू मम्मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के बच्चे, 12:30 हो गए, गुड आफ्टरनून बोलो। और इतनी लेट क्यों चाय लाए? अभी खाना खाने का समय हो जाएगा। सॉरी सर, दरअसल आज घर से निकलने से पहले मुझे खाना बनाना पड़ा। क्यों, बीवी मायके चली गई क्या? सर मायके चली जाती तो मैं पड़ोस की गंगू भाई को बुला लेता ना। अच्छा, मतलब पड़ोस में गंगू भाई है। दिखने में कैसी है? सर एकदम चिकनी है। अच्छा। दरअसल सर उसी को लेकर बीवी गुस्सा हो गई। और फिर जब भी बीवी गुस्सा हो जाती है तो खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। मतलब हर रोज ही बनाना पड़ता होगा। आपने कैसे जाना सर? ओए मुझे एक बात बता, उस चिकनी गंगू भाई से शादी का इरादा तो नहीं है ना? खबरदार जो दूसरी शादी का सपना भी देखा तो जाएगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं करूंगा,
नहीं करूंगा साहब, दूसरी शादी। अरे रोहन, तुम ये सद्दू को दूसरी शादी करने की सलाह दे रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो मना कर रहा था, मैं उसे कह रहा था। ये बताओ तुम्हें कौन सी बीवी ज्यादा पसंद है? किसकी बीवी की बात कर रहे हैं सर आप? अरे मैं तुम्हारी अपनी दोनों बीवियों की बात कर रहा हूँ। हाँ सर बताइए ना, आपको कौन ज्यादा पसंद है, रिंकू मैम या रितू मैम? पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि आप ये मुझसे पूछ क्यों रहे हैं। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम कौन सी बीवी से ज्यादा प्यार करते हो। सर इस सवाल का जवाब मैं किसी खूबसूरत लड़की के सामने नहीं दे सकता, लेकिन आशा के सामने जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। सर प्रॉब्लम यह है कि मैं आज तक ये नहीं तय कर पाया हूँ कि मैं किसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो जल्दी से तय कर लो, वरना एक आध बीवी से तुम हाथ जरूर धो बैठोगे। मैं कुछ समझा नहीं। रिंकू ने मुझे फोन किया था ये पूछने के लिए कि तुम्हारा ऑफिस में कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप सर? अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, ये तो सब रिंकू मुझे पूछ रही थी लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे सर लेकिन आपने उसे ये क्यों नहीं कहा कि हमारे ऑफिस में है ही कौन जिसे रोहन अफेयर करेगा? क्या ये हम क्या कह रहे हैं सर, वो भी मेरे सर? नहीं नहीं आशा, तुम्हारी बात और है, तुमसे अफेयर कौन करेगा? मतलब तुम तो शादी मटेरियल हो ना, शादी के लायक। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने पति को कैसे अपने वश में रखे? लाइट ऑफ करो। चुप। वो लाइट ऑफ करो। चुप। अपने पति के गुस्से को लाइट ले ले। लाइट ऑफ करो यार रिंकू, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी बुझा देती हूँ डार्लिंग। ठीक ठीक। अरे कान क्यों खुजा रही हो, बटन खुजाओ ना, आई मीन बटन बंद करो ना। क्या कर रही हो? इतनी रात कौन कबख्त फोन कर रहा है? तुम्हारी डाय तुम्हारी डायन का फोन होगा डार्लिंग। एक्सक्यूज मी। अरे यार तुम मुझे यहाँ से क्यों फोन कर रही हो? ये क्या है? मैं नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हो तुम यार? मैं अब सोने दो ना मुझे। ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो जाओ और मुझे सोने दो प्लीज। सो जाओ नहीं क्या, सो जाओ। अपने पति को अपने प्यार का एहसास दिलाएं। मैंने क्या किया? मैं समझा कि मैंने तुम्हें बत्ती बुझाने के लिए कहा, इसलिए तुम मेरा गला दबा रही हो। अरे रिंकू सुबह सुबह क्या कर रही हो? देख रही हो मम्मी, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। हाँ लेकिन उसके लिए नाश्ता बनाना जरूरी है। मम्मी आज से नाश्ते की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम? उस किताब में लिखा है कि पति का दिल जीतने का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। मैं कुछ समझी नहीं। बस मम्मी समझ लो, आज का नाश्ता मैंने बनाया है। तुमने? रिंकू नाश्ता लग गया क्या? रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है। आजा आजा, हटिए हटिए, उधर बैठ। ये मेरी सीट है, हटिए। दर्द मेरा है, मुझे बता रही है मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए देर हो रही है। आज क्या बनाया आपने? आज का नाश्ता मम्मी ने नहीं मैंने बनाया है। अरे आज तो मेरा व्रत है। इतनी मेहनत से मैंने ये सब बनाया है और तुम टेस्ट भी नहीं करोगे? डार्लिंग क्या क्या बनाया तुमने? वड़ा, इडली, ये तो देख के ही मजा आ गया। डार्लिंग मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी सारी चीजें बना सकती हो। यू नो यू आर टेरिफिक, टेरिफिक। मम्मी जी कल आप अपने गांव वापस जा सकती हैं। क्यों? मतलब मैंने आपको यहाँ सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि आप नाश्ता ठीक ठाक बना लेती हैं। लेकिन आज रिंकू के हाथ का नाश्ता देख के ऐसे लग रहा है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय। आपको सबको सबकोस डार्लिंग, कमाल हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब फॉर्मूला वर्क हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला? नाश्ता बनाने का फॉर्मूला। हाँ बनाने का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों बज रहा है यार? अरे बेल क्यों बज रही है? मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है भाई आप? मैम है। कौन मैम?
वॉरी मैम। अरे भैया कौन है आप? मैडम मैडम मेरे घर में घुसे आ रहे हैं, क्या चाहिए आपको? वेटर हूँ भाई। वेटर? कहाँ के वेटर? सामने वाले होटल का। अरे तो सामने वाले होटल में जाना, मेरे घर में क्यों आया? मैडम आप बिल का पेमेंट कर रही है ना, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। ये रिंकू ये सब क्या है, कौन सा बिल भाई? ये जो नाश्ता आप कर रहे हैं ना, हमारे होटल से आया है, उसका बिल। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। सर हमारे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आप हमें एक अच्छा ऑफिसर दीजिए। अरे हमारे पास एक ही ऑफिसर है। मेरा मतलब अच्छा 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 ऑफिसर है जी। क्या हम उनका नाम जान सकते हैं? हाँ, उसका नाम है रोहन खन्ना। क्या हम उनको मिल सकते हैं? अरे क्यों नहीं मिलिए, यहीं तो बैठा है रोहन। नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। हेलो सर। इट्स ओके रोहन। सॉरी सर, लगता है मैंने बॉस की बातों पे पानी फेर दिया। जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग। 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 मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके प्रोजेक्ट के लिए रोहन खन्ना बहुत अच्छा काम करेगा। हमें कोई शरीफ आदमी दीजिए सर। यू डोंट मीन के रोहन खन्ना शरीफ आदमी नहीं है। आपको पता है कि इंडियन ऑफिसर्स लंदन में आके सबसे पहले क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? क्या क्या क्या? वहाँ की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा। यस सर, इसकी गारंटी तो मैं भी ले सकती हूँ। मेरा मतलब रोहन सर सबसे शरीफ ऑफिसर है हमारी कंपनी में। सर मैंने आज तक आशा के साथ भी कभी फ्लर्ट नहीं किया है। करना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन ये कभी मौका ही नहीं देता। यकीन मानिए मिस्टर खन्ना को कोई बुरी लत नहीं है और ना ही कोई पीने वीने की आदत है। तो एक ही ड्रिंक की आदत है, चाय, चाय पीने की। चाय। वैसे सर पार्टी में जाते हैं ना तो पूरा बाहर गाली कर देते हैं। अरे बाहर यानी चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट का बार बार, इसे चॉकलेट बार बार खाने की आदत है। रोहन। कौन है? हाय डार्लिंग। रिंकू। शाम को मुझे घुमाने लेके जाओगे ना? और फोन करना और अपने दोस्तों के साथ रम्मी मत खेलना और ड्रिंक मत पीना। ओके जाओ तुम। ओके बाय। ओके बाय बाय। सॉरी सर, सॉरी सर, तो मैं कह रहा था कि लंदन हमें एक शरीफ आदमी की जरूरत है। हाँ तो शरीफ ही है सर। वो तो मेरी उनकी बीवी थी। यस बीवी दूसरी गई थी रोहन को सरप्राइज देने। गई थी मम्मी, मुझे लगता है रोहन मुझे शाबाशी देगा, जरूर देगा। I'm proud of you. रिंकू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या जरूरत थी मेरे ऑफिस में आने की? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ हाँ डार्लिंग, तुमने मुझे क्यों, हम सबको सरप्राइज दे दिया। पता है इडियट, तुम्हारी वजह से आज मेरा फॉरेन जाने का चांस हाथ से निकल गया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी रोहन। सॉरी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आजकल तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, अजीब तरीके से। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपनी मम्मी पे जा रही हो तुम। मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? ओफो, क्या चुप रही है? बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? मम्मी अब मुझे रोहन का दिल जीतने के लिए कोई और स्टेप लेना होगा। इसका दिल जीतने से तो अच्छा है तुम किसी गधे का दिल जीत लो। फिर तो रोहन ही ठीक है। कोई गधा मुझे शॉपिंग के लिए नहीं लेके जा सकता ना। अब नेक्स्ट। अगर पति के जीवन में कोई दूसरी औरत है तो उसके सामने संयम से काम ले। ये चैप्टर जरूर तेरे डैडी ने लिखा है, वरना कौन सी औरत इतनी बेवकूफ होगी जो दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। ठीक है मम्मी, आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने पति के सामने जेलसी दिखाएंगे तो जीत दूसरी औरत की होगी। मैं उस डायन को जीतने नहीं दूंगी। हाँ। ये लो भाई तुम्हारी खीर भी आ गई। बहुत हो गया लड्डू। रोहन देखो क्या कर रहे हो तुम, छोटे बच्चों की तरह पूरे मुंह में लड्डू लगा हुआ है। अरे तो तुम तो मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो। छोटे बच्चे ही हो तुम,
यार तुम हो जो मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो, और वहाँ रिंकू है जो खुद छोटी बच्ची बन गई है। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? तो पता नहीं उसे क्या हो गया, इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। वही करती है जो उसे नहीं करना चाहिए, वहाँ चली जाती है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। जब प्यार करना चाहिए गुस्सा हो जाती है, जहाँ मुस्कुराना चाहिए सीरियस हो जाती है। ओ नो रोहन, मुझे तो लगता है उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए। बेटू तुम्हारा मतलब वो पागल हो गई है? पागल? अरे पागल तो वो शादी से पहले से ही थी, अब तो उसे सिर्फ ट्रीटमेंट की जरूरत है। बाय बाय बाय। अरे खीर तो खाओ ना रोहन। पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, नेक्स्ट टाइम खाऊंगा। बेटू मैं चलता हूँ, बाय। अरे मगर रोहन अब तुम वापस कब आओगे? बेटू यूं ही जब घर में कोई नहीं होगा मुझे फोन कर देना, मैं चलाऊंगा। एक मिनट क्या हुआ? कहने का क्या मतलब है? जब मैं तुम्हें फोन करूंगी सिर्फ तभी आओगे तुम? अरे नहीं बाबा, तुम्हें मैं हर रोज फोन करके पूछा करूंगा कि आज घर में कोई है या नहीं, और चलाऊंगा। ओके बेटू तुम तो जानती हो ना वहाँ मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, रिंकू और उसकी मम्मी मुझे इतना नैक करते हैं कि क्या बताओ। लेकिन डोंट वरी, मैं ना रिंकू को कोई बंडल मारूंगा और यहाँ जलाऊंगा। और एक बार मुस्कुराओ ना। अरे दत्त मुस्कुराओ ना प्लीज। अच्छा चलो चलो जाओ, तुम्हारी हंसी को क्या हो गया? रिंकू मैं नहीं, इट्स ओके रोहन, चलने दो। एक्चुअली I'm not jealous. I'm not. Tikhi mirchi kha gaya bhaiya. Tikhi mirchi kha gaya bhaiya. क्यों रो रही है उस मनुज के लिए? मनुज तो एक किताब है। क्यों? क्या हुआ? इसमें बताया गया पति को जीतने का एक भी पैतरा वर्क नहीं कर रहा है। कैसे वर्क करेगा? क्योंकि तेरा पति एक करेले की तरह है, कितना भी घी में तलो शहद में घोलो कड़वा का कड़वा रहेगा। करेला आ गया। इसमें एक दो चैप्टर बचे हैं, वो भी ट्राई कर लेती हूँ। पति का हमेशा मुस्कान भरे चेहरे से स्वागत करें। करेला। कितनी बार कहा मैंने आपसे कि यूं जब मैं ऑफिस से थकारा घर लौटूं आप दरवाजा मत खोलिए, आपको देख के मेरा हो जाएगा कुछ मुझे। जब भी आपका मैं चेहरा देखता हूं ना मेरी पूरी शाम खराब हो जाती है। मैंने भी कितनी बार तुमसे कहा कि जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूं ना मेरी रातें खराब होती है, भयानक सपने आते हैं मुझे। अरे हटिए आप। रिंकू कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? क्या हो गया तुम्हें? Are you alright, darling? मैं तुम्हारा स्वागत मुस्कान भरे चेहरे से कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो समझा था कि तुमने मुझे रितु के साथ देख लिया तो तुम गुस्सा हो गई होगी, आसमान सर पे उठा लोगी तुम। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें दूसरी औरत के साथ देखकर मुझे संयम से काम लेना चाहिए। डार्लिंग तुम कितनी समझदार हो। लेकिन अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई तुम? There is something wrong, I guess. Must find out. मम्मी, मेरी मुस्कुराहट वैसे हो गई। मैंने कहा था ना करेला है करेला। कौन आ गया इस वक्त? हाय रोहन। तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे आस्ती क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी प्यारी रिंकू के लिए एक साइकियाट्रिस्ट। अरे कहाँ रह गए डॉक्टर साहब, आप कहाँ रह गए? आइए ना। आया 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 आया। इनसे मिलिए, ये है रोहन खन्ना। इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, पेशेंट ये नहीं है, पेशेंट इनकी वाइफ है। वाइफ? रितू किसे पकड़ के लाई हो तुम? अरे ये तो खुद पगलाए हुए लगते हैं। राइट रोहन राइट, यही तो मशहूर साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर पगले। पगले? पुरुषोत्तम रविदास पगले। मतलब पूरे पगले? मतलब डॉक्टर साहब आप ही के तो इनिशियल्स हैं, पुरुषोत्तम रविदास पगले, मतलब पूरे पगले। हाँ रिंकू को बुलाओ ना। हाँ रिंकू, रिंकू जरा बाहर आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? ये मोहतरमा यहाँ क्या कर रही है? ये कौन, इसका दूसरा पति है क्या? वाकई इनके दिमाग की हालत बहुत नाजुक है, इनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तुम ना कमाल के साइकियाट्रिस्ट को लाई हो। हाँ, मरीज को देखते ही इनकी दिमाग की हालत सही पहचानी। जल्दी बाहर आ जाओ।
हाँ जी मम्मी, ये रीतू की बच्ची ना तुम्हारे लिए साइकियाट्रिस्ट को लेके आई है। डॉक्टर साहब यही है पेशेंट। पेशेंट होगी तू, तेरी अम्मा, तेरा पूरा खानदान। लगता है क्रॉनिक बीमारी है, इनका तो चेकअप करना पड़ेगा। पहले अपने आप को चेक कर लो। ओ, रिंकू क्या कर रही हो तुम? साइकियाट्रिस्ट है, प्लीज कोऑपरेट। देखो रिंकू, समझने की कोशिश करो। मुश्किल से 10 या 15 शॉक की बात है, बस फिर तो मिलकर टनाटन। लगता है इसका अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हें। वेल, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम अपना चेकअप करा लूंगी बहन? मैं चेकअप नहीं, इनका चेकआउट करवा दूंगी, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट का तुम पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब जाइए ना, चेकअप कीजिए ना। हाँ, चेकअप चेकअप चेकअप। मुंह खोलिए। मम्मी, अंदर से वो कपड़े धोने का डंडा लेके आना। अरे डोंट वरी डॉक्टर साहब, डोंट वरी। रिंकू तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी भलाई के लिए डॉक्टर साहब को रिटू यहाँ ले आई है। नहीं, वो अपनी भलाई के लिए इस डॉक्टर को यहाँ लेके आई है, ताकि मैं पागलखाने में एडमिट हो जाऊँ और वो तुम पे अकेले हक जमा सके। अरे ऐसी बात नहीं है रिंकू, तुम्हें वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट की जरूरत तुम्हें है, जो मेरे प्यार को पागलपन समझ बैठे। मतलब जैसे तुम पागलपन समझ रहे हो, वो तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश थी। ये क्या है, पति को कैसे अपने वश में रखें? डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं रोहन के पीछे खड़े होकर? अपने पेशेंट को संभालिए ना। हाँ, वायलेंट पेशेंट। देखिए आप अपना मुंह खोल। अरे अरे रिंकू, अरे संभालो, पेशेंट वायलेंट हो गया। अरे अरे हमें बचा रिंकू, एक मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब, अब मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देख के मुझे यकीन हो गया है कि अब रिंकू नॉर्मल हो गई है। मैं चलती हूँ, चलिए ना डॉक्टर साहब। कहाँ जा रही है मेरी किताब लेकर? अरे अब मैं इस नई किताब के सारे फॉर्मूलास रोहन पे अपनाऊंगी।